हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं चिकबल्लापुर। एक बार हम चिकबल्लापुर हो आए हैं। चिकबल्लापुर तब गए थे जब उद्घाटन हुआ था आदि योगी जी का। आज ये 1:30 बजने जा रहा है, 1:30। अब हम निकल रही है घर से अपने चिकबल्लापुर के लिए। यहाँ से 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम। और हमारी बेटी तैयार हो गई है। हाय बोलो, हाय 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 बोलो, हाय हाय। हाँ, मेरी बेटी भी तैयार हो गई है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आपको हम अपनी पूरी जर्नी दिखाएंगे कि आप चिकबल्लापुर आदि योगी कैसे जा सकते हैं। आप हमारी पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने घर से निकल लिए हैं। अब ये यहलंका का रेलवे स्टेशन आने वाला है। ये देखिए, हम आ गए हैं। ये लेफ्ट साइड में अगर आप टर्न करेंगे तो ये आपको यहलंका का रेलवे स्टेशन मिलेगा। और ये जो ओवरब्रिज है उससे भी आप जा सकते हैं। आप नेपाल से आते हैं तो आप वहाँ से सीधा ये ओवरब्रिज पकड़ के ये एयरपोर्ट रोड पे आ सकते हैं। और अब हम एयरपोर्ट रोड पे ही चल रहे हैं। ये देखिएगा, अब ये टोल गेट आ गया है। और इस टोल गेट को पार करने के बाद आपको एयरपोर्ट का रोड भी मिल जाएगा। अब हम ये टोल गेट क्रॉस कर चुके हैं। और अब ये जो रास्ता है ये एयरपोर्ट के लिए है। हैदराबाद, देवनहल्ली और नंदी हिल आप स्ट्रेट जाएंगे तो ये चारों रूट आपको मिलेंगे। ये जो लेफ्ट साइड में रोड जा रहा है वो आपको एयरपोर्ट रोड पे ले जाएगा। जो एयरपोर्ट अंदर साइड में है तो वहाँ आप जा सकते हैं उस रोड से। अब ये देवनहल्ली आ गया है। अब यहाँ से आगे आप जाएंगे तो आपको नंदी हिल मिलेगा। देवनहल्ली में भी देवनहल्ली फोर्ट है और टीपू सुल्तान का जन्म स्थान है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये नंदी हिल आ गया है। यहाँ से आपको ये लेफ्ट साइड में टर्न करना पड़ेगा तो ये जो रास्ता है वो आपको नंदी हिल के लिए ले जाएगा। और नंदी हिल यहाँ से आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और आप नंदी हिल पहुँच जाएंगे। हम नंदी हिल भी गए हैं, उसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने अपने उस वीडियो में नंदी हिल की पूरी जानकारी दे रखी है। आप हमारे उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। ये देखो, अब पहाड़ियाँ आ गई हैं, चिकबल्लापुर आने वाला है। बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। तो आप बेंगलोर आते हैं तो एक बार ये चिकबल्लापुर जरूर आइएगा। और ये ईसा फाउंडेशन में और आदि योगी जी को देखिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा यहाँ का व्यू। अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कुछ समय के बाद बन जाएगा पूरा, आपको वहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो ईसा फाउंडेशन है ये अगलगुर की चिकबल्लापुर में जो अगलगुर की है उसमें पड़ता है। ये अब आ गया है अगलगुर की। यहाँ से आप सिटी के अंदर से होते हुए भी जा सकते हैं। वो हम फर्स्ट टाइम जब गए थे तो हम सिटी से होते हुए गए थे और अब हम जा रहे हैं ये हाईवे वाले रूट से। तो ये वाला रूट काफ़ी अच्छा है, कुछ लोगों ने बताया था। तो इस बार हम ये हाईवे वाला जो रूट है उससे जा रहे हैं। यहाँ आपको कम से कम 10-15 मिनट की रास्ता होगी। वहाँ से आपको टर्न करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, वो रास्ता आपको सीधा ईशा फाउंडेशन ले जाएगा। आप हमारे वीडियो को फुल देखिएगा, हम आपको उसमें पूरा डिटेल बता रहे हैं कि कैसे आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये साई टेंपल भी यहाँ पे पड़ता है।
वो भी काफी अच्छा दिख रहा था बाहर से, हम जा नहीं पाए। अब ये आ गया है ईशा फॉर्मेशन के लिए रास्ता। यहाँ से हमने इन भैया से रास्ता पूछा तो इन्होंने बता दिया कि यहाँ से ये रास्ता था लेफ्ट साइड में। यहाँ पे फूलों की खेती कितनी अच्छी हो रही है, बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य था। ये देखो एक छोटा सा तालाब भी है पहाड़ों के बीच में। आप अगर बेंगलोर में आते हैं तो जरूर ये ईशा फाउंडेशन देखिएगा, और अगर आप बेंगलोर में हैं तो भी आप आइएगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे आके बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिएगा अब ये गेट आ गया है। यहाँ से आपको 10 मिनट का रास्ता है, आप ईशा फाउंडेशन पहुँच जाएंगे। और अभी ये रास्ता बन रहा है, हम फर्स्ट टाइम भी आए थे जब यहाँ उद्घाटन हुआ था आदियोगी जी का, तब बहुत भीड़ थी यहाँ पे और बहुत ही मज़ा आया था उस दिन भी। आप अगर हमारा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हम अपना वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। अब आदियोगी जी की मूर्ति दिखने लगी है, तो अब हम वहाँ पास से आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसा लगता है, तो हम चलते हैं। अभी यहाँ पे रोड बन रहा है और काफी अभी मिट्टी मिट्टी है, तो अब कुछ दिन बाद बन जाएगा। फ्रेंड्स अब ये पार्किंग में हम आ गए हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। ये देखो मेरी बेटी है, काफी एंजॉय कर रही है यहाँ पे आके। अब हम आ गए हैं कैंटीन में, अब थोड़ा खाना खाएंगे। ये है मिस्सी बेज भात और हमने अपनी बेटी के लिए डोसा लिया है, उसको डोसा बहुत ही पसंद आता है, तो वो डोसा और इडली बहुत खाती है। हम लोग वही 1:30 बजे चले थे घर से और टाइम हो रहा है वही 4:15 हो गया है, और अभी भी काफी लोग यहाँ पे हैं और शाम के टाइम पे भी काफी लोग आते हैं यहाँ पे और काफी भीड़ होती है यहाँ पे, अच्छा लगता है, काफी लोग आते हैं। और ये देखो ये शिव टेम्पल है, ये आदि योगी जी की स्टैच्यू है। ये आदि योगी जी की जो स्टैच्यू है ये 112 फीट की है। आपको पता होगा 112 फीट की क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो हमारे धर्म में वो जो मोक्ष के रास्ते होते हैं वो 112 तरीकों से होते हैं, इसलिए ये आदियोगी जी की मूर्ति 112 फीट की बनाई गई है। और ये आदियोगी नाम इनका क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहला योगी मतलब जो भोलेनाथ जी है, इसलिए इनको आदियोगी कहते हैं। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांति मिलती है आके। जो ये ईशा फाउंडेशन है ये पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। और ये जो
आदियोगी जी की स्टैचू है, इनके नीचे यहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग ध्यान वगैरह भी करते हैं और सुबह के टाइम पे यहाँ पे योगा वगैरह भी होता है। आप सुबह आते हैं तो योगा वगैरह भी कर सकते हैं। अब शाम का टाइम हो रहा है, देखो मेरी बेटी बहुत ही एंजॉय कर रही है यहाँ पे। इसको एक फ्रेंड भी मिल गई, ये एक छोटी सी बच्ची थी, ये इसकी फ्रेंड बन गई। काफी एंजॉय किया दोनों ने मिलके। आप अगर यहाँ पे बस से आना चाहते हैं तो आप मैजिस्टिक से बस ले सकते हैं, वहां से आपको 70 रुपए लगेंगे चिकबल्लापुर के लिए। और आप चिकबल्लापुर से ये ईसा फाउंडेशन के लिए आ सकते हैं। चिकबल्लापुर से ईसा फाउंडेशन के लिए 20 रुपीज लगेंगे। और इसका टाइमिंग रहता है कुछ, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप आके काफी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए हैं टेम्पल में, ये नाग देवता का टेम्पल है और ये जस्ट आदि योगी जी के जस्ट सामने बना है। काफी अच्छा लगता है यहाँ पे भी आके, बहुत ही अच्छा टेम्पल है ये। यहाँ से आदि योगी जी भी दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। अब ये शाम हो गई है, अब हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। आप अगर सुबह आना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया समय होगा, सुबह से आप शाम तक रह सकते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।